मदद करना। ए बेटा जरा मदद करना। आपकी है। अरे बेटा तू सच में मेरी मदद करेगी? उसी के लिए तो आई हूँ अम्मा। देख बेटा इतने सारे लोग हैं, सब देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तू आई। जब मुसीबत में कोई मदद नहीं करता और कोई आता है ना, तो वो फरिश्ता होता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। आगे लीजिए थोड़ा सा। आ, बस, 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 बस। बेटा आज तू मेरा सहारा बनी। माता रानी तुझे भी सोना सा सहारा दे और तुझे तेरा प्यार मिल जाए। अब प्यार के लिए तेरी आंखें कभी नहीं तरसेंगी। वो तेरा प्यार, तेरा सहारा, तेरा साथी अगर तेरे से पिछड़ भी गया ना, देख तेरे पास जल्दी आ जाएगा। माता रानी तुम्हें खूब खुश रखे। सुखी रह बेटा। वरना क्या, तू बार बार वायलेंट हो रहा है और मैं साइलेंट हूं, तो यूं मत समझना कि मैं कमजोर हूं। वरना क्या, एक बात बता, जब भी मैं प्रीता का नाम लेता हूं तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है और तू इतना वायलेंट क्यों हो जाता है? खास करके तब जब मैं प्रीता का नाम लेता हूं, क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनल दुश्मनी है प्रीता से। कैसी दुश्मनी? कौन सी दुश्मनी बताना, क्या दुश्मनी है? अरे बोल ना। अरे ये बात तेरी जुबान तक आ चुकी थी, बता तेरी दुश्मनी क्या है प्रीता से? प्रीता का नाम सुनते ही तेरा खून क्यों खौलता है? क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करनी मैं उसके बारे में कुछ सुनता भी नहीं। जिसके बारे में सुनता हूँ, जिसके बारे में बात करता हूँ, वो वही लोग होते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं। तो बार बार प्रीता या लूथराज का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो मुझे दिख नहीं रहा। इस चेहरे के पीछे और एक चेहरा है। शराब, 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 शराब। मैं अर्जुन सूर्यवंशी हूं। मुझे जानने की कभी कोशिश मत करना। मेरे दिल दिमाग रंजिश क्वाइश जिसमें कभी इंटरफेयर मत करना। तुम्हें जितनी बकवास करनी थी तुमने कर ली। मेरी फर्स्ट लास्ट वार्निंग, कान खोल कर नहीं दिमाग खोल के सुन लो, मुझसे दूर रहना, समझे तुम? तुम भी मेरी एक बात ना, कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। कभी ये सुना है कि खुद एक आग का शोला किसी आग के गोले से जल जाएगा? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूं बता दो, मुझे बता दो कि प्रीता, ऋषभ और लूथराज के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्या दुश्मनी है, क्या रंजिश है? देखो बदला तुम्हें भी चाहिए, बदला मुझे भी चाहिए, तो मिलके बदला लेते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं अब भी तुमसे कह रहा हूं साथ मिलके बदला लेते हैं उनसे। ऐसा सॉलिड साथ दूंगा ना कि वो रोड पे आ जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में लूथरा से बदला लेना है, उन्हें रोड पे लाना है, उन्हें तकलीफ में देखना है। क्योंकि उनसे बदला लेने के लिए ना मैंने सालों इंतजार किया है। उनकी हस्ती बस्ती दुनिया मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, चाहे तुम्हारे साथ मिलकर मिलकर या तुम्हारे खिलाफ जाकर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, एक सेकंड मेरी बात सुनो। तू सिर्फ इतना बता दे कि प्रीता, ऋषभ और लूथराज के खिलाफ क्यों जा रहा है, क्या दुश्मनी है, एक बार बता दे। मैं सिक्योरिटी काम मर गए। मेरी बात सुन, पछताएगा तू, मैं बहुत काम की चीज हूं। हे वेट, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लेके जाओ साहब। एक मिनट रुक, चल बात सुन। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं गलतियों में यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं कभी कोई गलती नहीं करता। लेकिन तुम, अगर तुमने वापस यहाँ पर आने की गलती की और मुझसे मिलने की कोशिश की ना, तो मार्क माय वर्ड्स प्रीति मल्होत्रा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू मार्क माई वर्ड्स अर्जुन, तुम्हारे दिल से यहाँ निकलेगी कि तुम्हें पृथ्वी मल्होत्रा की बात सुन लेनी चाहिए थी। पछताओगे, बहुत पछताओगे। ये अगर दोबारा दिखेगा ना यहाँ पे, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। बड़ी इडियट,
अच्छा तो ये वही पृथ्वी है जो अर्जुन का दुश्मन है। माता रानी तुझे भी सोना सा सहारा दे और तुझे तेरा प्यार मिल जाए। अब प्यार के लिए तेरी आंखें कभी नहीं तरसेंगी। वो तेरा प्यार, तेरा सहारा, तेरा साथी अगर तेरे से पिछड़ भी गया ना, देख तेरे पास जल्दी आ जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, पछताओगे तुम लोग। गलती कर रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने बॉस की तरह गलती कर रहे हो। तुम लोग ना देखना, मैं एक बार फिर आऊंगा। मेरा नाम है पृथ्वी मल्होत्रा, इस नाम को याद रखना। एक बार फिर आऊंगा लेकिन बॉस बन के, और तब इसी तरह जिस तरह तुम लोगों ने मुझे बाहर फेंका ना, इसी तरह तुम लोगों को बाहर फेंकूंगा और तुम्हारे बॉस को भी बाहर फेंकूंगा। याद रखना तुम लोग, याद रखना। एक मिनट रुको, स्माइल, तू भी स्माइल कर। तुम लोगों के चेहरे ना मैंने अपने फोन में कैद कर लिए, ताकि हर दिन मुझे याद रहे किस तरह तुम लोगों ने मुझे जलील किया था। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, याद रखना। हाँ जाओ जाओ, याद रखेंगे, जाओ चलो। छोड़ूंगा नहीं, फेंक दूंगा सबको। उन दोनों के हंसते हुए चेहरे कैद कर लिए, ताकि उन्हें बाद में रुला सकूं। जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है ना, सबकी बैंड बजा दूंगा मैं, सबको सबक सिखाऊंगा, उन सबको ना देख लूंगा। एक बात कहूं प्रीता जी, इस प्यार करने वाले दिल की कसम, ये सब के बावजूद भी 1% प्यार कम नहीं हुआ आपके लिए। पृथ्वी जी है आज भी आपके आशिक। आप एक नहीं, हजार खून भी कर लो ना, वो भी आपसे नफरत नहीं हो पाएगी। मैं आपके मासूम हसीन चेहरे को देखकर कौन नफरत करेगा आपसे। कम इन। पीता जी, आप आई मीन व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई नो, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे, आप बैठिए ना, प्लीज सिट। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आई वाज वेरी देयर हाउ, बट व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज आप ऑफिस में कुछ काम था? वैसे आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको बता के आना चाहिए था, इस तरह मैं अचानक से। पिताजी डोंट बी फॉर्मल, इनफैक्ट मुझे, मैंने कॉफी मंगाई थी और मुझे लगा शायद कॉफी आई, और मैंने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया आपने लंच पकड़वा दिया, और मैं एकदम आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऑफिस आए। आई मीन आप आती नहीं है ना ऑफिस में, तो आई नो, इसीलिए ऋषभ जी आप हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं शायद कुछ नहीं, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद लंच लेके आपके ऑफिस आऊंगी। हाउ स्वीट प्रीता जी, मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप लंच लेके आइए या कुछ और लेके आइए, पर अगर आप करेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आ जाएं और लंच लेंगे, इट फील्स ग्रेट, थैंक यू।
आप लंच खाइए, चलिए। जरा दो प्लेट और कटलरी भेजिए प्लीज। अरे ऋषभ जी, दो प्लेट क्यों? मैं नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। पर आप मुझे कंपनी तो देंगे ना? दो बाइट ऐसे तो आप इतना सगाती। कितनी अच्छी स्मेल आ रही। आई विल हेल्प यू। फाइल्स यहाँ पैसे? पृथ्वी मेरे कैबिन में आया, कोई तो मकसद से आया होगा, कुछ तो लेकर गया होगा। वो क्या लेकर गए यहां से? अंजलि, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तुम्हारी ये मॉर्निंग तो मुझे गुड बिल्कुल नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम बताओ मुझे क्या हुआ। पृथ्वी को तुमने ऐसे ऑफिस से धक्के मार के बाहर क्यों निकलवाया, और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? तुम्हें याद है ना कि पृथ्वी के साथ पास्ट में तुम्हारे क्या रिलेशन हुआ करते थे? हाँ याद है, सब याद है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि पृथ्वी के पास मेरे खिलाफ कोई ना कोई तो सबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानता है कि मैंने ऋषभ के खिलाफ सुपारी दी थी, और मैं सुपारी किंग राजा को जानता हूँ, वो ही जानता है। क्या क्या प्रूफ है उसके पास? नहीं जानता, पर उसे सच पता है, लेकिन पूरा सच नहीं पता है। अंजलि, मेरे दिल में प्रीता और ऋषभ के खिलाफ जो रंजिश है ना, उसकी असली वजह वो नहीं जानता, लेकिन रंजिश है ये जानता है। अर्जुन, तुम्हें अगर ऐसे लगता है कि पृथ्वी सब जानता है, तो तुम प्लीज उसे सीरियसली लो। तुमने देखा ना अभी जब सिक्योरिटी उसे बाहर ले जा रही थी, तब वो कैसे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम पछताओगे। मेरी बात मानो अर्जुन, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो कितना बुरा आदमी है। हाँ मैं सब जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है। मैं उससे डरता नहीं हूँ, ना ही किसी और से डरता हूँ। अर्जुन सूर्यवंशी उर्फ करण लूथरा, सब जानता हूँ मैं, पर मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझे तुम? अर्जुन, तुम कभी किसी को छोटा मत समझो। तुमने सुना होगा ना कि कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी हाथी को कितना बड़ा घाव दे देती। तो सोचो जब एक छोटी सी चींटी जब इतने बड़े हाथी को तकलीफ दे सकती है, तो तुम पृथ्वी नाम की चींटी को भी कम मत समझो अर्जुन। प्रीता जी, आई गॉट समथिंग फॉर यू। व्हाट? मेरा फोन। अभी तक काव्या अपना सामान भूलती थी, अब रियली? अरे गुड, मैडम को बहुत अच्छे से लेके जाना, गाड़ी आराम से चलाना, नो सिग्नल जंप, ओके? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाना, अंदर तक छोड़ना। आप तो उसे वही इंस्ट्रक्शन दे रहे जो तब देते हो जब काव्या जाती है। एनीवे, यू टेक केयर। दोनों की चिंता रहती है। ओके, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, चलिए। क्या हुआ, इतने कांप क्यों रहे हो? राशि फल का फल बुरा मिला ना? मैंने कहा था कि मेरी बात सुन लो, घर से बाहर मत जाओ, लेकिन नहीं तुम। अरे मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, प्लीज ताने मारना बंद करो। तुम ताने मैं मार रही हूँ? बदतमीजी इस बात की, तुमने फोन तुमने मेरे मुंह पे रखा, ताने मैं मार रही हूँ? वाह, तू सिर्फ इतना बता दे कि प्रीता ऋषभ और लूथरास के खिलाफ क्यों जा रहा है, क्या दुश्मनी है? सिक्योरिटी, मेरी बात सुन, पछताएगा तू, मैं बहुत काम की चीज हूँ। hey, वेट, लगे जाओ उसे बाहर। hey, एक मिनट रुक, चल एक बात सुन, गलती कर रहे हो। क्या हुआ, अब चुपचाप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने ऊपर से उठा के नीचे पे। मुझे पता था कुछ ना कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारी राशि में लिखा था, कल इतनी मुश्किल से हम बच के निकले और आज तुम फिर वहां पर पहुंच गए। हे यार, माफ कर दो मुझे प्लीज। गुड, ऐसी मुझसे बात किया। अच्छा बताओ, वो अर्जुन के ऑफिस में क्या हुआ?
वही जो नहीं होना चाहिए था। मैं अर्जुन के ऑफिस में गया था ताकि मुझे उसका राज पता चल सके, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ उल्टा हो गया, सब गड़बड़। तुम जानना चाहती हो वहां क्या हुआ? क्या हुआ? वहां ऋषभ लूथरा आया था। जब मैं अर्जुन के ऑफिस में गया उसका सच पता लगाने, उसी वक्त ऋषभ वहां आया और ऋषभ ने उसे बिजनेस पार्टनरशिप में ऑफर दे दी। उसने ऋषभ की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और जब मुझे यह पता चला कि अर्जुन की ना लूथरस के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, लूथरस के खिलाफ, ऋषभ के खिलाफ, प्रीता के खिलाफ, तो मैंने उसे कहा क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर लूथरस से बदला ले। उसने मेरी ऑफर रिजेक्ट कर दी। इतना ही नहीं, उसने मुझे धमकाया भी कि अगर आज के बाद मैं उसके ऑफिस के आसपास भी भटका तो वो मुझे ऑफिस से बाहर फेंक देगा। उसको फेंक दूंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर थापर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका स्टार्टअप बिजनेस अच्छा है या बुरा है। द प्रॉब्लम इज आजकल के टाइम सिनेरियो के हिसाब से दिस बिजनेस इज नॉट एप्ट। सो व्हाट इफ आई एम बिजनेसमैन ऑफ द ईयर? ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां करता हूँ या मैं सब सही करता हूँ। मैं भी रोज गलतियां करता हूँ, रोज अपनी गलतियों से सीखता हूँ। दिस इज हाउ वी ऑल ग्रो, इजंट इट? देखिए, लेट्स नॉट थिंक दैट मैं जो भी कह रहा हूँ या जो भी सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ। मैं खुद भी गलतियां करता हूँ, है ना? और जस्ट टू टेल यू, मुझे मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग कमेंट नो, बट विल डेफिनेटली लुक इनटू योर प्लान्स एंड लेट यू। सर, ये पेन ड्राइव आपको चाइल्ड ने देने के लिए कहा था। आई विल आस्क माय टीम टू गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, ये काव्या के स्कूल से। जो भी ये इंसान था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो डेफिनेटली मुझे फॉलो कर रहा था। आपका पीछा कर रहा था? कौन हो सकता है? जो भी है ऋषभ जी, एक्चुअली अब मुझे यहाँ स्कूल से बाहर निकलने में थोड़ा डर लग रहा है। सर, ये पहले भी आई थी, बट आप वो टाइम बहुत बिजी थे। आगे से अगर कुछ भी आए ना, उसको यहाँ मेरे टेबल पे एक टैग लगा के रख दो। ओके? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी मम्मा, मम्मा मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ प्लीज। ऋषभ, ऋषभ फोन मत काटना। एक बात बता, तेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा काम ही इम्पोर्टेंट है क्या? तेरी माँ तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? मुझे अभी तेरे साथ बात करनी है। मुझे तेरे 5 मिनट अभी चाहिए, मेरी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, ओके, रिलैक्स, काम डाउन, मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? ऋषभ, तेरे डैड बोल रहे हैं कि कल वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे। हाँ तो प्रॉब्लम क्या, उनको जाने दो ना। अरे क्या हो, क्या किया तुझे, ऐसे कैसे जाने दूँ? अरे तू समझ नहीं रहा, एक बात बता, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तेरी माँ नहीं रही। मम्मा प्लीज यार, अब मैं I'm grown up now, mom. You know how much I love you. इतना प्यार करता हूँ आपसे, फिर भी आप कहते हो मैं आपसे प्यार नहीं करता। प्यार करता तो मेरी बात तो सुनना, तेरे पापा। एक मिनट, फोन क्यों खींच रहे हो जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? हाँ तो करो ना बात, ये स्पीकर पे डाला। हाँ बोल मेरे बेटे। वो क्या बोलेगा, बोल तो मैं रही हूँ। ऋषभ तेरे पापा जी है ना? आ, क्या तेरे पापा जी, बोलो ना, तेरे पापा जी है ना ऋषभ? अरे मम्मा आप चल क्या रहा है उधर, एक मिनट आप लोग मेरी बात भी तो सुनो। आप लोग फोन मिलाकर आपस में लड़ना शुरू कर दे तो मेरे से मेरी तो बात सुनो। क्या हुआ, हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या, चल क्या रहा है वहाँ पे? ऋषभ तेरे पापा जी कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। व्हाट डैड, क्या बोल रही है मॉम? हाँ, और यही सच्चाई है जो तेरे पापा जी नकार रहे हैं। अरे झूठ 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 बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही पुत्र, मैं सच बोल रही हूँ, ये कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि लूथरस हमारी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है? अरे हम कहाँ रहते थे, महलों में, हम चौल में आ गए, हजारों की टिप देते थे, अब अगर 1,000 रुपए हमें मिल जाते तो हम खुश हो जाते। लूथरस हमारे लिए पनौती है, तुम्हें ये बात पूरी समझ में? पनौती लूथरस नहीं, पनौती तुम्हारी जुबान है। हाँ, तुमने जो बोला वही हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, जो तुमने बोला वो हुआ, सब खराब हो गया। तुम क्यों भूल रही हो कि हमारा जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है और वही मकसद हमारे लिए सबसे बड़ा है। लूथरस से बदला लेना, उन्हें रोड पे ले आना, उन्हें तकलीफ देना, भूलो मत। अगर लूथरस नहीं तो मैं, पृथ्वी नहीं,
जब तक मैं लूथरस को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम देखना इस बार ना, उन लूथरस की जिंदगी में मैं इतना गहरा जाऊंगा कि पछताएंगे वो लोग कि पृथ्वी हमारी जिंदगी में वापस क्यों आया, हम पृथ्वी से दोबारा क्यों मिले। रही बात उस अर्जुन की ना, तो एक ऐसा गेम प्लान बनाऊंगा जिससे वो अर्जुन मजबूर हो जाएगा कि वो मुझसे दोस्ती करे, मुझसे हाथ मिलाए, ताकि हम दोनों मिलके लूथरस की बैंड बजा सके, उनसे बदला ले सके। ये मेरा वादा है तुमसे।